नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जो HSSC TGT भर्ती 2023 में प्राइवेट स्कूल का जो एक्सपीरियंस है, जिसकी आपको मार्क्स मिलने हैं, उसके बारे में कि वो किस प्रकार से बनेगा और कैसे बनाने पर ही वो वैलिड रहेगा, यानी कि जो आपका प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस है वो आप किस प्रकार से बनवाएं कि वो आपका वैलिड माना जाए, ना कि उसको रिजेक्ट किया जाए। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से अपना स्कूल का जो एक्सपीरियंस है आपका TGT का वो बनवाना है और इसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारी जानकारी आपको पता लग जाएगी। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट जो स्टेप है वो है आपका प्राइवेट स्कूल का। तो जो प्राइवेट स्कूल है उसमें आपको करना क्या है कि आपको वहाँ से जो स्कूल है वो आपका जो आपका अटेंडेंस का जो डाटा है, अटेंडेंस वाला जो रजिस्टर है उसका जो डाटा है, और जो आपकी जो सैलरी है, सैलरी, ये सारी चीज़ें जो प्राइवेट स्कूल है वो क्या करता है, वो आपका DO के पास फॉरवर्ड करेगा। और साथ में जो प्राइवेट स्कूल है वो अपना एक एक्सपीरियंस बनाएगा, यानी लेटर हेड पे जो लिखेगा, लेटर हेड पर जो लिखेगा, वो जो सारी चीज़ें हैं वो सारी सारी चीज़ें आपकी जाएंगी स्टेप टू पर, यानी कि आपका जो DEO है, यानी जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो है वहाँ पर आपका, यानी जो आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो ऑफिसर है उसका जो ऑफिस है वहाँ पर ये सारी चीज़ें जाएंगी, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका लेटर हेड पर जो स्कूल लिख के देगा कि ये बंदा यहाँ पर काम करता है और इसने इस टाइम पे यहाँ पर ज्वाइन किया था, और जो आपका जो सैलरी बनती है उसका जो रजिस्टर है उसकी एक कॉपी लिख कर देगा, और साथ में वो आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो सभी सालों का, वो सारी सारी चीज़ें आपका DO के पास भेजेगा, यानी जो फोटो कॉपी है, और या बाद में वो ओरिजिनल भी मंगवा सकता है। अब बात आती है जो आपका सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में यानी कि जो आपका DO ऑफिस है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो आपका DO ऑफिस है, यहाँ से जो आपके डॉक्यूमेंट है, यानी कि वो अब बनाएगा यहाँ पे एक और नया एक्सपीरियंस, ये टाइप करेगा, और ये क्या क्या करेगा, यहाँ पर काउंटर साइन करेगा आपका, काउंटर साइन। तो यहाँ पर इनका काम जो है काउंटर साइन का है, यहाँ पर जो काउंटर साइन करेगा वो सारी चीज़ें देखेगा आपका, जो आपका एक्सपीरियंस बना था, यानी कि जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर है, जो आपकी सैलरी बनती है, और वो ये चेक करेगा कि आपका जो नाम है वो आपका बोर्ड में रजिस्टर है या नहीं है। जिससे कि कई बार आप देखते होगा कि जो आपका 10th में जो टीचर होता है उसकी जो ड्यूटी लगती है स्कूलों में, ड्यूटी पेपर के टाइम पे, वो इसी कारण से लगती है कि बोर्ड में जो टीचर है उसका नाम रजिस्टर हुआ होता है इसके। तो वो जो अपना ये काउंटर साइन वगैरह कर लेता है, जो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करता है DO ऑफिस, यहाँ से जो आपका सेकंड जो साइन होता है, पहले तो आपका प्राइवेट स्कूल में हो गया, इसके बाद आपका DO ऑफिस में हुआ साइन। तो इसके बाद जो ये सारी चीज़ें हैं इनकी एक फ़ोटोकॉपी आपकी लास्ट में जाती है, जो थर्ड स्टेप है वो है आपका पंचकुला ऑफिस। अब जो इनका जो पंचकुला ऑफिस है, ये जो पंचकुला ऑफिस है, अब आपको यहाँ पर जाना होता है ये सारे डॉक्यूमेंट लेके, और यहाँ पर आपको जो ये सारे हैं, जो आपके जो डॉक्यूमेंट है और जो आपका DO टाइप करके देता है एक अलग से एक्सपीरियंस टाइप में बना के, उस चीज़ें आपकी जाती हैं पंचकुला ऑफिस, फिर वो वहाँ पे आपको चेक करवाना होता है, वो वेरीफाई करते हैं और वो वहाँ पर आपका एक और काउंटर साइन करके देते हैं डॉक्यूमेंट में। तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से बनेगा। तो आपको सबसे पहले जाना है आपको प्राइवेट स्कूल में, जो आपका रजिस्टर में जो आपका अटेंडेंस वगैरह है, सैलरी वगैरह है, वो सारी चीज़ें प्राइवेट स्कूल देगा आपको एक फ़ोटोकॉपी, या DO ऑफिस में वो खुद पहुंचाएगा, साथ में एक लेटर हेड पर वो लिख के देगा कि ये बंदा यहाँ पर काम करता है और इतने सालों से ये काम करता था। और इसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेप है वो आपका DO ऑफिस का था, जहाँ पर वो साइन करते हैं वेरीफाई करके सारी चीज़ें। इसके बाद जो साइन करते हैं वो डॉक्यूमेंट को भेजा जाता है आपका पंचकुला ऑफिस, पंचकुला ऑफिस से अगर वो नहीं भेजते हैं तो आपको खुद को जाना होता है। और जो पंचकुला ऑफिस है फिर वहाँ पर वो आपको दोबारा वेरीफाई किया जाता है सारा डाटा,
इसके बाद ही आपका जो साइन होता है लास्ट वाला, जो काउंटर साइन होता है मेन, तो इसके बाद जो आपका जो लास्ट स्टेप है ये वाला पंचकुला ऑफिस, तो इसके बाद जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका कंप्लीट बन जाता है। और जो ये सर्टिफिकेट है यही आपका वैलिड माना जाएगा, इसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपका सर्टिफिकेट ऐसा नहीं बना है तो शायद आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, शायद श्योरली नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2015 वाली जो भर्ती थी टीजीटी की, उसमें ऐसा हो चुका है। और उनको जिन्होंने एक्सपीरियंस इस हिसाब से बनवाया था, यानी कि जो आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट थी इस तरीके से बनवाया था, उनका वैलिड माना गया और बाकी सभी का रिजेक्ट कर दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक्सपीरियंस है वो आपका किस प्रकार से बनेगा और आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।